करपी प्रखंड के खजरी पंचायत के गाजीपुर अंतर्गत गांव में स्कूल के रास्ते से जूझ रहे थे बच्चे। यहां पे एक पगडंडी के सहारे, एक पतली आरी के सहारे बच्चे स्कूल तक जा रहे थे। खास तौर से बरसात के मौसम में इन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। तो यहाँ पर तो सबसे प्रथम समस्या है कि आने जाने के लिए बच्चों को बहुत दिक्कत है, साथ ही साथ शिक्षक को भी दिक्कत होता है। जो बच्चे की दिक्कत है, शिक्षक के नहीं होगा। पानी पड़ जाता है तो रास्ता में खिचड़ी होता है, पानी पर गिर जाते हैं। स्कूल में बाउंड्री नहीं है तो लड़कन भाग जाता है, खिड़की में बस्ता गिरा लेता है, पानी के बहाना भाग जाता है। यही लड़कन के स्कूल में पढ़े जाए तो बहुत दिक्कत हो गई है। कोई गिर है, कोई नली में फार हो, बहुत दिक्कत है। नलियों न है और रास्ते न जाके यह तकलीफ है। रास्ता कैसा है वहाँ पे? कच्ची। मैंने इस बदलाव के लिए सबसे पहले ग्रामीणों से बात किया, उसके बाद वहाँ के वार्ड और हमारे पात्र से एक एप्लीकेशन लिखा करके मुखिया संघ के अध्यक्ष सह मुखिया ग्राम पंचायत रोहाई के अभिषेक रंजन जी को दिया और इस समस्या से अवगत कराया। हाँ, आप बरसात के समय में गए थे, जो बच्चों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता था। तो बरसात खत्म हुई तो मनरेगा से हमने उसको योजना में लिया, और जो भी इर्द गिर्द में जमीन वाले लोग संबंध रखते थे उनसे भी हमने संपर्क किया और बोले कि ये बच्चों के भविष्य की बात है। वो लोग भी एग्री हो गए, सहमत हुए हमारी बातों से। उसमें तत्काल में हम लोगों ने मिट्टी भराई का काज करवाया है, और मिट्टी भराई के उपरांत कम से कम 6 महीने या 1 साल के बाद ही उस पर PCCI सोलिंग का काम होता है। तो उसको भी जल्द से जल्द हम लोग निराकरण करने का प्रयास करेंगे ग्रामीणों के सहयोग से। आज की स्थिति में स्कूल के जो स्थिति कुछ सुधार हुआ है, रास्ता के तहत दिक्कत था, लेकिन आज मुखिया जी के फंड से हो या जैसे हो रास्ता बना है, आने जाने से अब अच्छा हो गया है। जैसे आप से हम संपर्क किए, आपके न्यूज़ बना, न्यूज़ के माध्यम से फिर मुखिया जी ही गया। मुखिया जी के से मिलने के बाद में फिर उस पर काम, मिट्टी का कार्य हुआ, कार्य से फिर रास्ता का समस्या का समाधान बन गया। हमने ये अनुभव किया कि समाज का सहयोग के साथ और प्रतिनिधियों का सहयोग लेकर के किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। मैं SM जफर इकबाल, ग्राम गाजीपुर, जिला अरवल, राज्य बिहार से इंडिया अनहट के लिए।